आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मेथी के पराठे बिल्कुल नए तरीके से, और आपको बताएंगे बिल्कुल नई ट्रिक के साथ, जिसमें आपका समय भी बचेगा और आपको पराठे भी स्वादिष्ट खाने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर ली है आधी किलो मेथी, जिसे हमने धो लिया है, साफ़ कर लिया है, और हम आपको बताएंगे कि आपको इसे किस तरह से तोड़ना है। ये छोटी मेथी है पत्तों की, तो इससे क्या होता है, ये आप अपने पीछे से इसके डंठुर को तोड़ लें। तो जब भी आप मेथी लें तो ध्यान रखें कि आपको छोटे पत्ते वाली मेथी लेनी है। बड़ी पत्ते वाली मेथी जो होती है वो कड़वी होती है, या फिर आप जब भी लें तो चख कर लें। काटने से मेथी कड़वी नहीं होती है, वो तो कड़वी आती है तो कड़वी होती है। तो छोटे पत्ते की आप जब भी मेथी लेंगे तो आपको वो कड़वी नहीं लगेगी। और हमने लिया है आधा किलो गेहूं का आटा। अब हम इसमें ये मेथी के जो हमने तोड़ के रखे हैं पत्तियाँ, वो हम इसमें मिला लेंगे। हमें इसे काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो काटने का आपका जो है समय बिल्कुल बच जाएगा। अब हम इसको पूरा एज इट इज़ इसमें डालकर इसको मिक्स करेंगे। पराठे आपके खूब क्रिस्पी बने, आपको खाने में मज़ा आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच करीब बेसन। इससे बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनेंगे, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इससे डालेंगे नमक, नमक आप स्वादानुसार ले लें जितना आप खाते हैं। आटा भी आप अपने हिसाब से ले लें जैसे आपके परिवार में लगता है। तो अब हम यहाँ डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, इसी हुई लाल मिर्ची। इसे क्या है कि आटे में सब तरफ अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, तो उससे टेस्ट अच्छा आता है, पराठे चटपटे बनते हैं। और डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, हम डाल रहे हैं जीरा, आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पर साबुत जीरा डाल रहे हैं। और डाल रहे हैं थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन को आप हथेली में थोड़ा सा क्रश कर लें तो इससे बहुत अच्छी खुशबू पराठों में आपके आ जाती है। डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स हैं, आपको बाजार से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साबुत अगर लाल मिर्ची है तो इसे आप कूट के आप इसमें डालें, तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे है हमारा पिसा हुआ लहसुन, हम यहाँ पर पिसा हुआ ले रहे हैं क्योंकि हमारे घर में वैसे कटा हुआ पसंद नहीं करते, आप चाहें तो कूट कर इसे डाल सकते हैं। और ये है कुटी हुई हरी मिर्ची, पूरी पीसी नहीं है, इसको हमने कूट लिया है, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। हरी मिर्ची भी आती है बीच में थोड़ी थोड़ी। और हम डालेंगे यहाँ पर कटी हुई थोड़ी सी प्याज, इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल हम डाल रहे हैं 2 चम्मच के बराबर, हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम बाइंड करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसको हम गूंदेंगे, तो हमें जो गूंदना है वो हमें टाइट आटा गूंदना है, मुलायम नहीं गूंदना है, क्योंकि फिर उसके पराठे बेलने में आपको दिक्कत आएगी। और अगर आटा आपका कम ज़्यादा लगे तो आप उसमें थोड़ा सा आटा मिलाकर उसको गूंद सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको आप गूंदते जाएं। देखिए, थोड़ा सा पानी लगा लगा के हम इसको गूंदते जाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको गूंदना। आप सोच रहे होंगे पूरी पत्तियों के साथ आटा नहीं गूंदेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप इसे गूंदेंगे तो पत्तियां भी थोड़ी थोड़ी मसलती जाएंगी, और बहुत इसको गीला आटा ना गूंदें। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा टाइट की तरफ ही आटा हमें गूंदना है। हम देख सकते हैं कि हमारा आटा जो है अच्छी तरह से बाइंड हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते जाएं और अच्छी तरह से गूंद लें इसको, तो आटा जितना अच्छा गूंदा होगा आपके पराठे उतने ही अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो अब इस तरह से आप इसको आटे को गूंद लें। अब हम देख सकते हैं कि आटा देखिए हमारा इतनी अच्छी तरह से गूंद गया है, बिल्कुल इसमें लोच आ चुका है। अब हम आटे को रख लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम आटे को देख लेते हैं। देखिए, आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है, बस अब आप इसको एक दो घुमी लगाकर इसको रख लें। आटा अच्छी तरह से हमारा 10 मिनट में क्या होता है सेट हो जाता है, तो उससे पराठे अच्छे बनते हैं। ये देखिए, आटा बहुत अच्छी तरह से हमारा सेट हो गया है। पराठा के लिए हम एक लोई तोड़ लेंगे, लोई बना लें इस तरह से गोल, और इसमें सूखा आटा लगाकर इसको बेल लें। हमें इसे रोटी के जैसा बेल लेना है, पतला, जिससे ये खूब क्रिस्पी बनेगा और खाने में स्वादिष्ट लगेगा। अच्छी तरह से आप पतले पतले इसको बेल लें और इसको बना लें। तवा हमने गर्म होने रख दिया है और इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे, बहुत ही थोड़ा सा तेल हमने इसमें डाला है ताकि आप कम तेल में अच्छे बढ़िया क्रिस्पी पराठे खा सकें।
और अब हम इस पे पराठे को डालकर सेक लेंगे। तो अभी एक तरफ से पराठा हो जाए, पराठे को हम पलट लेंगे। पलट कर इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, थोड़ा सा तेल लगाकर इसको सेक लेंगे। जिसको ऑयल बिल्कुल भी नहीं खाना है वो इसकी रोटी सेक कर भी खा सकते हैं। इसे इसको दूसरी तरफ से पलट कर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको कुरकुरा क्रिस्पी होने तक सेक लें और थोड़ा सा इसको दबा दबा के सेकें ताकि अच्छी तरह से सिक जाए। अब इसको पलट लें और इस तरह से दबा दबा कर सेक लें। देखें ये पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है और हमने तेल का भी बहुत कम इस्तेमाल किया है। आपको देखने से ही लग रहा होगा कहीं पे भी इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं है। तो ये उस तरह से हेल्दी भी है, इसमें मेथी डली हुई है, बेसन डला हुआ है, तो फाइबर भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया। तो ये पराठे आप बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी बनाकर खा सकते हैं। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने एक लोई को रोटी की तरह बेल लिया है। अब हम इसमें अंदर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। ऐसे हमने इसको फैला लिया है और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। हम यहाँ पर चौकोर पराठे के लिए इसको फोल्ड कर रहे हैं। ये चौकोर पराठा भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। इस तरह से आप इन्हें फोल्ड कर लें, यहाँ साइड से और एक दूसरी साइड से फोल्ड कर लें। बस इसको इस तरह से इसको आप प्रेस करके अच्छी तरह से आप बेल लें। देखिए अपना चौकोर पराठा बिल गया है एकदम बढ़िया शेप के साथ। डालकर सेक लेंगे। अब हम पराठे को पलट लेंगे, इसमें ऑयल लगा के सेक लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगाकर भी सेक सकते हैं और आप कम ऑयल लगाकर भी सेकेंगे तो भी आपको पराठे खूब स्वादिष्ट लगेंगे। और जिसको ऑयल बिल्कुल भी नहीं खाना है उसको आप इसकी रोटी भी बनाकर सेक सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से उसको टेस्टी लगेगी और उसको हेल्दी भी रहेगा कि चलो ऑयल नहीं खाना है तो बाकी के इसमें जो पौष्टिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से उसको मिल जाएंगे। मेथी हो गया, इसमें बेसन भी है, तो आप उसको रोटी भी बनाकर सेक सकते हैं। देखिए बढ़िया क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हो रहा है। इसी तरह से आप खूब सारे पराठे बना लें, क्रिस्पी क्रिस्पी गर्मा गर्म खिलाएं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हरी चटनी के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं। इसको प्लेट में निकाल लें। हमने इसको भी रोटी की तरह बेल लिया है। अब इसमें हम अंदर तेल लगाएंगे और इसको सब तरफ फैला देंगे। हाफ फोल्ड कर लें, ये हम अपना ट्रायंगल पराठा बनाएंगे। इसमें तय बन जाती है तो ये खूब क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होता है। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी बिना तेल के सेक लें तो भी ये अच्छा लगता है। एकदम ट्रायंगुलर पराठा हमारा बेल चुका है। अब हम इसको सेकेंगे, इसे डाल लें तवे पर और इसको दोनों तरफ से सेक लें। हम इसको पलट लेंगे, पलट कर हम तेल लगाएंगे। एक तरफ तेल लगा लें, अब इसमें पलट कर भी हम दूसरी तरफ तेल लगा के इसको अच्छी तरह सेक लें। फिर से इसको पलट लें। ये देखिए पराठा हमारा इतनी अच्छी तरह से सिक रहा है। ऐसे थोड़ा सा दबा दबा के आप इसको सेकेंगे तो अच्छी तरह से ये सिक जाएगा। देखिए हमारा ट्रायंगुलर पराठा सिक कर तैयार है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आप डिफरेंट शेप्स के पराठे बना सकते हैं, अंदर तेल लगा के बना सकते हैं, रोटी की तरह बेल कर भी इन्हें बना सकते हैं और रोटी की तरह आप चाहें तो सेक के ऐसे ही भी इन्हें खा सकते हैं। हमने इसको बेल लिया है रोटी की तरह। अब इसमें फिर से हम इसमें अंदर तेल लगाएंगे और फैला लेंगे। और अब इसको इस तरह से आप पतला पतला रोल कर लें, जैसे रोल बनाते हैं ना रोटी का, उसी तरह से हमें इस बेली हुई लोई का रोल बनाना है। अब इसको इस तरह से राउंड करके गोल फिर से बना लेना है। और अब हम इसको सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। ये देखिए इसमें तय बन जाती है तो ये पराठा भी खूब क्रिस्पी बनता है। इसको बेल लें, इस तरह से इसको आप राउंड राउंड बेल लें, हल्के हाथों से बेलें ताकि पराठा अच्छा बने। ये देखिए पराठा बेल गया है। अब हम इसे सेक लेंगे, तवे पर डालकर इसको सेक लें। तवे के जो आप गरम करें ना उसको भी आप अच्छे से गरम कर लें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके पराठे कैसे बनते हैं। अब इसको पलट लें
और इधर आप इसमें ऑयल लगा लें। एक तरफ लगा लिया है, अब इसको दूसरी तरफ से पलट के भी हम इसमें ऑयल लगाकर पराठे को सेक लेंगे। देखिए पराठा बड़ा हल्का हल्का फूलने लगा है, देखने से ही समझ में आ रहा है पराठा खूब क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। बहुत अच्छा पराठा लगता है, आप इस तरह से गोल कर पराठा बनाएं ये भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। पराठा बनकर तैयार है, अब हम इसको निकाल लेंगे। और देखिए ये देखिए गर्मा गर्म हमारे मेथी के पराठे बनकर तैयार हैं। और ये हमारे गर्मा गर्म मेथी के पराठे बनकर तैयार हैं। इसमें जो थोड़ा सा बेसन डाला है इससे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमने इसको तोड़कर आप देखें कितने अच्छे से, इसमें देखिए मेथी भी दिख रही है और इसकी लेयर्स, ये जो गोल पराठा हमने बना के दिखाया ये वो पराठा है, इसकी लेयर्स हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप इसको हरी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ या किसी सब्जी के साथ भी खाएंगे, बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। और खाने के साथ साथ आप इसके बनाने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर बताएं। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।